जो ईसाले सवाब करते हैं, जो मैयत वगैरह को सवाब पहुंचाते हैं, तो नफिल नमाज, नफिल सदका, जो नफिली इबादात हैं, उनका सवाब पहुंचाया जाता है। क्या हम फराइज का भी सवाब पहुंचा सकते हैं? असल में ये मसला इख्तिलाफी मसला है, इसमें इख्तिलाफ जरूर है। बाज हजरात कहते हैं कि नहीं, फराइज का नहीं पहुंचा सकते, बाज कहते हैं कि हाँ पहुंचा सकते हो, लेकिन इख्तिलाफ है। और इख्तिलाफ जब हो गया, इख्तिलाफ इसमें मौजूद है और बाज हजरात ने इसे असह करार दिया है, जो मैं मसला बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आप अगर देखना चाहें तो इबारत मौजूद है, फइजा सल्ला फरीजतन वजअला सवाबहा लिगैरिही फइन्नहु सहीहुन, अल-बहरुर राइक में जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 64 पे 64 पे, और किताबुर रूह लिइब्निल कय्यूम में सफा नंबर 133 पे, रद्दुल मुहतार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 844 पे, एहसानुल फतावा में भी यही फतवा दिया गया है जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 253 पे। याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा है कि ये इख्तिलाफी मसाइल हैं। अगर कोई इसके अलावा कुछ और बताता है, उसे गलत मत कहिएगा, वो अपने एतबार से बता रहा है, उसे गलत मत कहिए। लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये भी गलत नहीं है, ये भी एक कॉल के मुताबिक, और बाज हजरात ने इसे सही भी करार दिया है कि सही भी है। तो बहरकैफ ये अर्ज कर रहा था कि अगर कोई फराइज का भी सवाब पहुंचाना चाहता है मुर्दों को, फराइज का, फर्ज नमाज पढ़ रहा है, फर्ज नमाज के बाद वो जो फर्ज नमाज पढ़ा है, फर्ज नमाज का अगर सवाब पहुंचाना चाहता है, ये भी पहुंचा सकता है। मैंने फिर भी कहा, अभी फिर याद दिलाऊंगा कि ये इख्तिलाफी मसाइल हैं, इख्तिलाफी मसाइल जरूर हैं, लेकिन इख्तिलाफ जब है तो गुंजाइश भी निकल आई इसमें। इसीलिए आप अगर फराइज का भी सवाब पहुंचाना चाहते हैं मैयत को, तो आप बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, पहुंचाइए, ये आपको जो है इख्तियार है। इसी तरह जो जो भी फराइज हैं, जो फर्ज हैं आपके जिम्मे, जो है वाजिब हैं, जो जरूरी हैं, उनका भी अगर आप सवाब पहुंचाना चाहते हैं, जैसे कि जोर की नमाज आपके लिए फर्ज थी, आप जोर की नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है दिल में ये इरादा करते हैं या जबान से इकरार करते हैं कि या अल्लाह ये जो फर्ज नमाज मैंने पढ़ी है, इसका सवाब फला मुर्दे के पास पहुंचा दे, पहुंच जाएगा। फर्ज नमाज का भी आप पहुंचा सकते हैं, और ये फतवा उर्दू की किताब एहसानुल फतावा में भी दिया गया है, आप वहां भी देख सकते हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें वो आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आप अपने व्हाट्सएप नंबर से ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।